जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अब आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। दोरी दोरी आवते मोहे मनावत दाम खर्च कछु मोल लई दोरी दोरी। आज वैशाख शुक्ल एकम बुधवार 12 मई 2021 है और पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद द्वारा में सेवा प्रणालिका के अनुसार प्रभु श्रीनाथ जी के आज के राग भोग व श्रृंगार सहित दर्शन इस प्रकार हैं। श्री जी को आज इस ऋतु का आखिरी मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। आज के पश्चात मुकुट कांचनी का श्रृंगार लगभग 2 माह 10 दिन के पश्चात आषाढ़ शुक्ल एकादशी को धराया जाएगा, जिसके बारे में हम जानते हैं कि प्रभु को मुख्य रूप से 3 लीलाओं शरद रास, दान और गौचारण के भाव से मुकुट कांचनी का यह श्रृंगार धराया जाता है। श्री जी की सेवा प्रणालिका में मुकुट कांचनी श्रृंगार का एक नियत क्रम है, जिसके तहत जब भी मुकुट धराया जाता है वस्त्र में कांचनी साथ में धराई जाती है और ठाड़े वस्त्र सदैव श्वेत रंग के धराए जाते हैं। और जिस दिन मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है उस दिन विशेष रूप से भोग आरती में सूखे मेवे के टुकड़ों से मिश्रित मिश्री की कणी प्रभु को अरोगाई जाती है। लेकिन आज की विशेषता और भी है। आज के वस्त्र तृतीय पीठ कांकरोली स्थित श्री द्वारिकाधीश जी मंदिर की तरफ से सिद्ध होकर आते हैं और संभवतया कल से प्रभु श्री जी के श्रीहस्त में पुष्प छड़ी की जगह है कमल छड़ी धराई जानी प्रारंभ होती है। आइए अब आज के श्री जी दर्शन करते हैं। सबसे पहले साज सेवा के दर्शन करते हैं। श्री जी में आज लाल रंग की मलमल की सुनहरी लप्पा की किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई आज सजाई जाती है। इसके साथ में और क्या साज होते हैं? गादी, तकिया, चरण चौकी, 2 पड़गाजी, त्रष्टि प्रभु के समक्ष पधराए जाते हैं। इनके अलावा खेल के साज भी पधराए जाते हैं। गादी, तकिया एवं चरण चौकी के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है तो 2 पड़गाजी में से एक पर बंटा जी,
वह दूसरे पर झारीजी पधराई जाती है और सम्मुख में धरती पर चांदी की दृष्टि धरी जाती है। खेल के साज में आज प्रभु के समक्ष पटलाल और गोटी शतरंज के पधराई जाती है। अब श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करते हैं। तो वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल रंग की मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं, जिनमें सूथन, कांचनी एवं रासपटका धराए जाते हैं। आज प्रभु को चोली नहीं धराई जाती है। ये सभी वस्त्र रूपहरी जरे की किनारी से सजे हुए होते हैं और जैसा कि हम जानते हैं ठाड़े वस्त्र पीठिका पर प्रभु को आज सफेद जामदानी के धराए जाते हैं। अब प्रभु श्री जी को धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करते हैं। आज श्री जी को वनमाला का अर्थात चरणारविंद का भारी श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांकला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आवरण हरे मीणा के धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो प्रभु को स्वर्ण का डांख का मुकुट एवं बाई ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण के श्रृंगार के तहत प्रभु को आज हीरा के मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। बाई ओर उत्सव की मोती की मीणा की शिखा जी धराई जाती हैं, अर्थात चोटी जी धराई जाती हैं। श्री कंठ में कली, कस्तूरी व कमल माला धराई जाती है। फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी श्री जी को धराई जाती हैं। प्रभु के श्री हस्त में पुष्प छड़ी, स्वर्ण के लहरिया के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज पेंजनिया, नूपुर व बिच्छिया आभरण से मिलवा अर्थात हरे मीणा की धराई जाती हैं। इन सभी साज श्रृंगारों से अलंकृत प्रभु को आज आरसी नित्य की चांदी वाली दिखाई जाती है। राग सेवा में मंगला में आज नंद सदन गुरुजन की भीड़, राजभोग में कुंज भवन ते निकसे राधा, आरती में देखन न देत वेरन भई पलकें, शयन में चलो क्यों न देखे रिखरे, मान के पद में आपुन चलिए झूलालन, पौढ़वे के पद में प्रेम के पर्यंक पौढ़े, कीर्तनों का प्रभु के समक्ष गान किया जाता है। तो भोग सेवा के तहत श्री जी को दूध घर, बाल भोग, शाक घर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सखड़ी, अनसखड़ी व फलों का सामग्रियों के रूप में प्रभु को भोग रखा जाता है। विशेष में उष्ण काल होने से सतुआ प्रभु को अरोगाया जाता है। पान घर की सेवा के तहत प्रभु श्री जी को बीड़ा के रूप में तांबूल सेवा की जाती है। तो मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी की सेवा एवं मंदिर रख रखाव का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। जय श्री कृष्ण। अब चलकर कुछ दर्शन करते हैं पुष्टि सृष्टि से। आज के भाव कीर्तन में दो भाव कीर्तन हैं, जिसमें पहला पद मान का पद है जो राग विहाग ताल चौताल में है। दूसरा पद राग सारंग और ताल चौताल में है। श्रवण करते हुए दर्शन करें। लई री
मोरी आवत मोहे मनावत दाम करच कछु मोल लईरी अचराय पसाय मोहे खिजावत अचरा पसार के मोहे खिजावत हो तेरे बाबा की चेरी भई दाम खरच कछु मोल लईरी दोरी दोरी आवत मोहे मनावत दाम खरच कछु मोल लईरी जारी सखी भवन आपने जारी जा सखी भवन आपने लख बातन की एक कही लख बातन की एक कहीरी नौन दास वे क्यों नहीं आवत नौन दास वे क्यों पायन कछु मैं दी दईरी उनके पायन कछु मैं दी दईरी दाम करच कछु कछु मोल लईरी बैठे हरि रास बैठे हरि I
यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी के बस स्टैंड क्षेत्र के दृश्य हैं। कल जिला पुलिस अधीक्षक एवं उनके सहायकों ने नाथद्वारा का दौरा किया और यहां पर नियमों का उल्लंघन कर रहे अर्थात कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे लोगों को समझाया, चालान भी बनाए। संदर्भ यह है कि राजस्थान में इन दिनों लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके बावजूद भी देखा यह जा रहा है कि कई व्यक्ति बिना काम भी घूमते हुए पाए जा रहे हैं। जबकि यह अब सर्वज्ञात है कि कोरोना महामारी तेजी से चारों तरफ फैल रही है। कल की रिपोर्ट में भी राजसमंद जिले में 400 से अधिक कोरोना संक्रमित नए मरीज पाए गए हैं।
तो दूसरी एक और खबर का रुख करते हैं जहां पर मानवीयता का पहलू सामने आया है। यह नाथद्वारा का सार्वजनिक राजकीय श्री गोवर्धन अस्पताल है, जहां पर कल कुछ भामाशाहों ने कई उपकरण अस्पताल में भेंट किए, जिससे कोरोना के रोगियों को उपचार में सहायता मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य शंकरा। धन्यवाद। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाथ के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका साहेब एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।